खंडगिरी जड़े भंड बाबा धरा पड़ती जो मैंने जो से घटना को नहीं बर्तमान खंडगिरी थाना घेराव कर सूचना से पहुंचे संतोष जेना रही प्रतिनिधि कौन रही अपडेट ये घटना संपर्क संतोष किए ये भंड बाबा यार कारनामा संपर्क में कौन जना पड़ी ये कहला मोर पूजा हम मो दुख दूर हम तेल जा पहुँचल रात एगार उल्लग्न कर गेट बाहर डेगला ना से मारदे था जना पड़ा सी डेक पलैसा तो भाग्य बल से पलैसा सी एफआईआर कला एफआईआर कराक आसला सी रात एगार लोक पठे पैसा दे पलैला तेणुक तार एफआईआर हो सब हो आरेस्ट कर खाली ये कथा नुह महिला दलित लोक जो भाई अत्याचार करते खंडगिरी थाना कौन से केस नौनी वर्ष चली आगु बहुत चली माने सब कथा ये गोटे उदाहरण से सेमती कर चंती बहुत बहुत आगु हाँ बहुत है करना किंतु ये बाहर करी कहिबे ये दलित लोक बहुत हैरान करें आगुरु कर पावरफुल जे का कथा सुनु नांती से माने थाना को डोर ना पावरफुल ब्राउन सुगर चरस सब चले छि किंतु पुलिस ताको अरेस्ट करनी से महिला ने जतना करी दुष्कर्म करी जो तापर छि ब्राउन सुगर चल छि चरस चल छि सब चले छि किंतु ताको अरेस्ट करनी आपण माने एबे कोन दाबी रखु छन ताको अरेस्ट करू ताको अरेस्ट करू देबे अन्य मानक पाखु मते जिबा जे आज्ञा कोन प्रकृतर अभिजोग आपण कर जे कोन सेति सब चल छि कोन असुविधा रघुनाथ नगर मठर जो कृष्ण मठरे बाबा प्रकाश बाबा प्रफुल्ल जो भाई कांडखारना कर अति लज्जाजनक कथा ता ये अंचल चर्चार विषय पाली किंतु किसी दिन तेज जड़े अनुसूचित जातिर महिला को से डाकिले कहले तुम्हें राधा बेश हो कृष्ण बेश हो एक सहित जौन व्यभचारी कले जोटा से बहुत विकल पलैसा एवं ए प्रसंग को लेकिन थाना खंडगिरी थाना एफआईआर होती एफआईआर हो सत्वे खंडगिरी पुलिस कौन सी एक्शन नहीं ना एवं आम चाहू से भंड बाबा प्रकाश प्रफुल्ल को गिरफ्त करा ता सहित जमी माफिया अजु जेना एवं लक्ष्मीनाथ पंडा को गिरफ्त करा अत्याचार करूची आम चाहू ताको गिरफ्त।